हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला एप्लीकेशन हमने ये देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट का जो यूज होता है वो किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एनी फोर्स। उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है, ऐसे न्यूमरस एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन सभी को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम चलेगा कि स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ है। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मोस्टली जगह फिजिक्स में यूज होता है। वैक्टर प्रोडक्ट है वो भी क्या है, मोस्टली जगह, आई मीन वैक्टर पूरे फिजिक्स में, 3-4 यूनिट आप छोड़ दो तो पूरे फिजिक्स में यूज होता है। तो जनरली अभी जब आप वेक्टर चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पावर। जब आप किसी भी, आप जानते हो कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब पावर का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा कि क्या होता है, इसका यूनिट भी नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट आप लोग जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि आप जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और या जूल पर सेकंड होता है। और पावर का जो डेफिनेशन होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, जो आप आई थिंक 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो पावर को हम दूसरे तरह से, जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। पावर सप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। क्या होता है, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर जो होगा उसका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पावर मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम मान लें कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, देन हम लिख सकते हैं कि एफ बी कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एफ वी कॉस थीटा, अब आप देख सकते हैं कि एक डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन क्या होगा, टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स क्या होगा, पावर जो होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो निगेटिव भी हो सकता है। जो हम स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां ये चीजें हमने देखा है। अब यदि ऐसा भी हो कि इफ क्या दिया हुआ हो, इफ फोर्स क्या हो, फोर्स कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वेलोसिटी क्या हो, कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है, देन पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज एफ एक्स वी एक्स प्लस एफ वाई वी वाई प्लस एफ जेड वी जेड। तो सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी दिया हुआ हो और आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो ये तभी हम यूज करेंगे जब दोनों फोर्स एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच एंगल दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्या होगा, कंपोनेंट दिया हुआ है, आई मीन फोर्स कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेटर क्या है, हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, एफ एक्स वी एक्स प्लस एफ वाई वी वाई प्लस एफ जेड वी जेड। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पावर को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप जब शीट सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यदि आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है, मैंने बताया था कि वेक्टर को, दो वेक्टर को दो तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या होता है, पहला मेथड क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो अभी तक हम देख रहे थे। सेकंड जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ क्या है, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके बीच क्या है, एंगल क्या है, थीटा है, आई मीन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और हियर एन कैप, एन कैप इज नथिंग बट द क्या है, एन कैप क्या है, n cap is the unit vector perpendicular to the plane in which vector a and vector b lie. I mean vector a and vector b pe kya hai, perpendicular. Jise dekho yahi kya hua, unit vector ho gaya, I mean sorry ye kya hua, vector a and vector b ho gaya,
तो एन कैप जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इनके प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो मैंने उधर लिखा भी है। तो यूनिट वेक्टर वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई। देखो ध्यान से, ये जो है, ये जो मार्कर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एन कैप का डायरेक्शन। ए ए और बी दो, देखो दो वेक्टर हैं जो सेमी प्लेन में, आई मीन बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो एन कैप जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर इधर हो सकता है, और क्या है ऑलवेज क्या होगा, दोनों वेक्टर के प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखें, यहां लिखा हूं कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर्स ए एंड बी आर कैप्ट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दैट इज हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो वेक्टर यदि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एन कैप डॉट ए इक्वल टू जीरो, एन कैप डॉट बी इक्वल टू बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब क्या है, यदि दो वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज या रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू क्या होगा, एन कैप। क्या होगा, एन कैप। अब देखो क्या होगा, इस तरह से आई मीन ए क्रॉस बी जो जब हम लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम लिखेंगे, तो जो आउटपुट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिले, आउटपुट जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में होगा। इसलिए हमने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर्स ए एंड बी आर कैप्ट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज एन डॉट ए एंड एन कैप डॉट ए एंड एन कैप डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये भी कभी कभी क्या है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अभी हम एन कैप के बारे में लिख लें, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ आई मीन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप विल गिव या गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर गिव्स द क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। आई मीन हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि दैट इज, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एन कैप वेक्टर इज पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एन कैप वेक्टर इज पैरेलल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। आई मीन एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, तो यही लिखा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ लिख, मैंने यहाँ लिखा कि एन कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि एन कैप इज पैरेलल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब देखो मैंने ये बताया कि ए क्रॉस आई मीन एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, बोर्ड में लाई कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो यही क्या है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर यही दिया हुआ है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकता है, एक तो आउटवर्ड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, एक आउटवर्ड और एक क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, एन कैप और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं। तो यहां क्या है, द डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर
एन कैप और क्या होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो क्या होगा ए क्रॉस बी। एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसे यूज करके ही हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि देखो हमने क्या किया, यहां एक वेक्टर ए मान लिया और दूसरा वेक्टर क्या है बी। ठीक है, यही क्या है इनके बीच एंगल दिया हुआ है थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखो राइट हैंड थंब रूल आई मीन इसका मतलब क्या है कि पहले हम क्या करेंगे अपना राइट हैंड थंब कंसीडर करेंगे, है ना, इस ओपन राइट हैंड थंब रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो मुझे क्या करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो पहले क्या करेंगे राइट हैंड जो पाम है उसको क्या करेंगे हम वेक्टर ए पे रखेंगे, देखो ध्यान से, और ये जो एक्सेप्ट थंब ऑल फिंगर को हम क्या करेंगे ए से बी के तरफ कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा उस वही क्या देगा अपने को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। आई मीन कीप योर राइट हैंड पाम ऑन वेक्टर ए एंड कर्ल और ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट थंब फ्रॉम ए टू बी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो क्या करना है कि जब भी डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मुझे निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए पे राइट हैंड पाम रखेंगे और ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट थंब को हम क्या करेंगे बी के तरफ कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, या इसको हम क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, यही यूज किया जाता है। क्या प्लेस प्लेस योर राइट हैंड पाम ऑन वेक्टर ए राइट हैंड पाम ऑन वेक्टर ए पाम ऑन वेक्टर ए एंड कर्ल कर्ल ऑल फिंगर्स फिंगर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट थंब देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहां आप देखोगे तो इससे यही डायरेक्शन मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं कि एन कैप है, और एन कैप क्या है, तो यहां देखोगे कि आप ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, हियर द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज कमिंग आउट ऑफ द क्या होगा बोर्ड, क्या होगा यहां क्या होगा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू द बोर्ड एंड एंड आउटवर्ड। ठीक है, देखो क्या है, अब ए क्रॉस बी यदि मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं ए क्रॉस बी, और यहां यदि मैं डॉट लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि दिस डॉट इंडिकेट आउटवर्ड, क्या है ये डॉट से सर्कल के अंदर जब डॉट लिखोगे तो क्या मालूम चलेगा आपको कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज क्या होगा आउटवर्ड आउटवर्ड, आई मीन किधर होगा बाहर होगा, क्या होगा बाहर होगा।
अब यदि बी क्रॉस ए देखोगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए जब देखोगे तो क्या होगा, इन टू द क्या होगा, बोर्ड होगा। देखो इधर हमने बी पे रखा, देखो ध्यान से बी पे रखा और ए की तरफ, यहाँ ए क्रॉस बी जो पहले है उस पे अपना राइट हैंड पाम रखना है, फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है, किसको, थंब को छोड़ करके, और फिर देखना है कि थंब का डायरेक्शन क्या है, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो यदि अब मैं बी क्रॉस ए देखो तो बी क्रॉस ए तो थंब कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो बी क्रॉस ए हम देख रहे हैं तो क्या है, बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इन टू द बोर्ड है। तो यहां लिख सकते हैं सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए विल बी क्या होगा, विल बी नॉर्मल टू द बोर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इन टू द बोर्ड ठीक है। तो ये डायरेक्शन है जो आप देखो, आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये खुद से प्रैक्टिस जितना करोगे आ जाएगा, नहीं तो आगे अपने को पढ़ना है तो ये आपको मालूम चल जाएगा वहाँ, और हम डिटेल से बताएंगे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यही क्या है, राइट हैंड पाम रूल है, स्क्रू रूल है, ठीक है, स्क्रू रूल भी है, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे। एक ही मेथड आपको याद रखना है, राइट हैंड पाम रूल, क्योंकि सबसे आसान होता है। ए पे राइट हैंड पाम रखो, फिंगर को बी की तरफ कर्ल करो और थंब का डायरेक्शन देखो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब एक और पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि कैसे हम एन कैप लिखेंगे, एन कैप कैसे लिखेंगे। तो यहां देखो, यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यहां मैं लिखता हूं नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो यहां क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ये भी पूछा जाता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ हम लोग ये यूज करेंगे, देखो यदि मैं ए क्रॉस बी वेक्टर, अभी मैंने लिखा था क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ए इक्वेशन हमने वन लिखा। अब मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, और ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन, अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ ए बी साइन थीटा है, तो यहाँ ए बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम लिख सकते हैं कि एन कैप इनटू क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और क्या लिखेंगे, ए क्रॉस, अब यहां से एन कैप भी आप लिख सकते हो, एन कैप कितना होगा, एन कैप कितना होगा, देखो एन कैप हम लिख सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा,
ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड, एंड क्या होगा, एंड वेक्टर बी। दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जब भी आपसे यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर का क्या करो, वैल्यू लिखो, क्या करो आप, यूनिट वेक्टर का वैल्यू लिखो जो उनके प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी, यहां भी मैंने हेडिंग लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये नहीं है कि यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन में लिखना है, तो नहीं, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करते हैं, जानते हो ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही एक ए एंड बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यदि मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। देखो कितना ए, आपसे कोई पूछे कि ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मीन ए डॉट ए क्रॉस बी, अब देखो तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ए वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्या, ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, सोचो आप सोच करके बता सकते हो कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, अभी मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों ऐसे बता सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा, बिकॉज यहां लिख सकते हैं, बिकॉज वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस क्या होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि बी डॉट क्या होगा, ए क्रॉस बी, अगेन ए बी क्या होगा, जीरो होगा, ए बी क्या होगा, जीरो होगा, है ना, जीरो होगा। ठीक है, क्यों, अगेन क्या, क्यों, क्योंकि वेक्टर बी इज नॉर्मल टू क्या होगा, ए क्रॉस क्या होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ क्या होगा, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ क्या होगा, तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। अब देखो आप, यहां आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना चाहिए। एंगल बिटवीन क्या होगा, ए क्रॉस बी एंड क्या होगा, एंड बी क्रॉस ए। आप भी बता सकते हो थोड़ा लॉजिक से, देखो ध्यान से, यही क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी निकालना है, देखो तो ए क्रॉस बी ए टू बी किधर है, आउटवर्ड आ रहा है, और बी क्रॉस बी देखो तो किधर होगा, अंदर होगा, देखो अंदर होगा क्या, ए क्रॉस बी आउटवर्ड एंड बी क्रॉस ए जो है क्या है, इनवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, बी क्रॉस क्या होगा, बी क्रॉस। दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल हो तो उनके बीच एंगल कितना होता है,
90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं हैंस, क्या बोल सकते हैं हैंस, क्या होगा एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच क्या होगा एंगल जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो चीज़ हम देख रहे थे। अभी केवल हमने यूनिट वेक्टर से रिलेटेड ही चीज़ देखा और कुछ कॉन्सेप्ट देखा। अभी हम ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, केवल मैंने जस्ट डेफिनेशन लिखा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप खुद से भी बता सकते हो क्या होगा। देखो यहाँ अब अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन यहां हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं। नाउ अगला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है ए बी साइन थीटा इंटू क्या है एन कैप। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो यहां से बता सकते होगा। देखो तो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या चीज पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या हो सकता है, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आई मीन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और सेकेंड में क्या होगा, क्या होगा यहाँ बता सकते हो, सेकेंड में क्या होगा बी में लिख सकते हैं कि एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर दैट इज क्या लिख सकते हैं दैट इज थीटा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। और देखना ध्यान से अलवेज जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहां हम लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा ए बी साइन थीटा एंड, ठीक है क्या होगा ए बी साइन थीटा, मैक्सिमम क्या हो सकता है ए बी साइन थीटा और क्या हो सकता है जीरो। ये आपको याद रखना है, किसी भी एंगल के लिए एंगल आपको मालूम है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा साइन थीटा ऑलवेज क्या होगा वन और जीरो से क्या होगा छोटा, सॉरी जीरो से बड़ा और वन से छोटा। इफ क्या होगा इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, सॉरी जीरो क्या होगा थीटा क्या हो जीरो और जीरो से क्या हो 180 के बीच में लाएंगे। ठीक है, तो ये नोट में याद रखना है कि मैग्नीट्यूड आपसे कभी पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स एन क्या होगा जीरो।
मैक्सिमम यही हो सकता है, कब होगा जब साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा 1 कब होगा जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और उनके बीच जो एंगल होगा उसी पे क्या होता है डिपेंड करता है। और मैक्सिमम वैल्यू आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी एक्स, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए बी होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब हम ये कंसीडर करेंगे, ये देखो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो क्या होगा ए क्रॉस बी जो होगा वो, अब केसेस देख ले यहाँ, है ना। अब हम क्या करेंगे, दो चीजें देख एक ही साथ देखते जाएंगे, क्या होगा कि व्हेन केसेस मैं लिख रहा हूं, व्हेन क्या होगा, व्हेन वेक्टर ए इज क्या होगा पैरेलल टू वेक्टर बी, दैट इज क्या होगा, दैट इज ठीक है, दैट इज, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। उस सिचुएशन में जैसे मान लो कि देखो क्या है, एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी, तो इनका कोई क्रॉस प्रोडक्ट पूछे आपसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखो आप, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी ये क्या मिला कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नल वेक्टर, क्या होगा नल वेक्टर, ठीक है, या 0 वेक्टर, क्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर, और यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, क्या होगा दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच एंगल क्या होगा 0, इसका कन्वर्ज भी ट्रू है कि व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्या होगा, ऐसे नहीं बोल सकते, इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। हाँ क्यों नहीं ट्रू है, हम बोल सकते हैं कि इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, अभी देखो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस बी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों थीटा 0, यदि दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए तब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वहां भी क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्या होगा, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, बट इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन वी कांट से दैट द बोथ द वेक्टर्स विल बी पैरेलल, क्यों, क्योंकि वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का जनरली हम एंगल यूज करने के लिए, आई मीन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी डज नॉट यूज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाइल टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी ऑलवेज यूज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि उसमें ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं आता, ऐसा डाउट कहीं ऐसा क्रिएट नहीं होता है। यहाँ क्या है, डाउट क्रिएट हो जाता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो आप ये नहीं बता सकते हो कि एंगल क्या है, एंगल 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 180 डिग्री भी हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा, व्हेन नोट में लिख लेंगे है ना, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी क्या होगा, विल बी 0, बट इट्स कन्वर्ज इज कन्वर्ज इज नॉट ट्रू,
समझ में आया ना? आई मीन यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। अब ये हाँ हम लिखें, यहाँ लिखें कि इफ, देखो इसी में लिखें कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, ए वन आई कैप प्लस क्या है बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, देन क्या होगा, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा आई कैप जे कैप क्या है के कैप। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। जब दो वर्टिकल, आप मॉड मत पढ़ना, जो आप मॉडुलस वगैरह पढ़े होंगे मॉड नहीं है, जो हम वेक्टर में बोल रहे हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या हुआ, एक छोटा लाइन ड्रॉ करते हैं, छोटा वर्टिकल लाइन, और एक बड़ा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें रो होता है और क्या होता है कॉलम होता है ना। तो जब हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम आई कैप जे कैप और के कैप, उसी तरह आप देखो यहाँ ए है तो आई के नीचे, आई के नीचे ए वन, आई मीन एक्स आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, के नीचे के का कोएफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे ए वन ए टू और क्या होगा ए थ्री, यहाँ क्या लिखेंगे बी वन बी टू बी थ्री। देखो इसमें तीन रो और क्या है, तीन कॉलम हुआ, ये वर्टिकल जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलेंगे कॉलम, और ये क्या होगा रो, तो तीन हॉरिजॉन्टल रो होगा और तीन क्या होगा वर्टिकल क्या होगा कॉलम होगा। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये लिखने आना चाहिए आपको कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पर क्योंकि आसान होता है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है आई, आई का कोएफिशिएंट लिखना है, तो देखो आई का कोएफिशिएंट जब लिखेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो इसको जब हटाओगे क्या बचेगा ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री। अब जे का कोएफिशिएंट जब यूज करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं माइनस जे के, देखो जो जिसका कोएफिशिएंट लिखना है उसके कोरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को क्या करना है आपको हटा देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो हटाओगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ए वन बी वन आई मीन ए वन बी वन ए थ्री बी थ्री प्लस हम क्या लिखेंगे के का कोएफिशिएंट। अगेन जब के का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो के कोरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ढक लेंगे इसको हटा लेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ ए वन बी वन ए टू क्या होगा बी टू। अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, हम लिख सकते हैं यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, क्या करना है दिस इंटू दिस, दोनों डायगोनली एलिमेंट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, आई मीन इधर हम क्या करना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई मीन ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री ऐसे लिखना है। देखो तो हम क्या लिखेंगे ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप, अगेन देखो ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, तो क्या लिखेंगे ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी, ठीक है प्लस के कैप लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे ए वन बी टू ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं। आप क्या करना, आप इस तरह टू थ्री फोर टाइम्स जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक लिखने आ जाएगा, केवल ये ध्यान देना, इसलिए मैंने लिखा है, यहाँ ध्यान दोगे तो आपको समझ में आए क्या करना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अगेन क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों डायगोनली एलिमेंट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है लिखना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला, यहाँ भी देखोगे दिस
लेकिन ए वाला सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो यही क्या हुआ, ए क्रॉस बी का वैल्यू मालूम चल गया। अब यहां से हम बता सकते हैं कि यहां भी देखो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि आई मीन क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो और 180 बोल सकते हैं, देन क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो तो आई कैप इनटू क्या होगा ए टू, जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या आएगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए क्या होता है, कंडीशन आता है, ठीक है। तो आपको नोट में कभी कभी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने बोला भी था कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू क्या होगा, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू क्या होगा, सी वन अपॉन सी टू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा केस क्या होगा, अब देखो क्या होगा, पैरेलल होगा तो यहाँ एक और पॉइंट याद रखना है। अब हमने देखा था कि ये वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस, और ये क्या हुआ एक्स एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, इधर जे कैप, और इधर क्या है, के कैप। तो किसी भी, अब मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस ए कितना होगा, देखो तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर साइन क्या होगा, जीरो, आई मीन क्या होगा, जीरो। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस बी विल बी इक्वल टू जीरो, सी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू जीरो, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आई क्रॉस क्या होगा, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू के क्रॉस के विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। ये आपको ठीक है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ वेक्टर इटसेल्फ विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं नोट में, क्या होगा नोट में, क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज ये ध्यान में रखना, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स, केस सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी, दैट इज क्या होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, आई मीन क्या होगा, यहाँ वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, तो आपसे यहाँ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ देखो अब हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। अगेन देखो यहाँ भी डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो हम यहाँ यदि मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यही क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन क्या होगा, बोथ द वेक्टर्स विल बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ आप उसको भी लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं यहाँ क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
विल बी मैक्सिमम इफ बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. क्यूबिक टर्म पूछा जाता है ऑर्थोगोनल और दोनों ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्या होगा? ईच अदर. तभी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और मिनिमम तो आपको मालूम है कि पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं E क्रॉस B का मैक्स, आई मीन सॉरी मैक्स जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ए बी के क्या होगा? ये कब होगा? जब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ देखो, अब देखना है आपको, देखो ध्यान से. अब ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस. अगेन इधर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? आई कैप. इधर जे कैप और इधर क्या है? अब देखो जेड एक्सिस हमेशा आपको माइंड में रखना है कि जेड एक्सिस क्या होगा? आउट ऑफ द क्या होगा? बोर्ड होगा. क्या होगा? देखो तो आई क्रॉस जे लिखें. आई क्रॉस जे क्या होगा? देखो I क्रॉस J लिखेंगे तो क्या होगा? I क्रॉस J इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? I क्रॉस J इक्वल टू क्या लिखेंगे? K कैप लिख सकते हैं क्या? तो हम लिख सकते हैं I क्रॉस J कैप इक्वल टू क्या होगा? K कैप. ठीक है, सोचना है. देखो उसके बाद एक ट्रिक भी लिखें. अब यही J वेक्टर हुआ, सॉरी K कैप. अब मुझे J क्रॉस K लिखना है तो J क्रॉस K, देखो J क्रॉस K एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या होगा? आई कैप होगा क्या? तो हम यहाँ लिख सकते हैं जे क्रॉस क्या होगा? के कैप इक्वल टू क्या होगा? आई कैप. उसके बाद फिर ऐसे देखो, ऐसे यही जे, अब के क्रॉस आई लिखना है तो के क्रॉस आई लिखोगे तो क्या होगा? जे होगा क्या? यहाँ देख सकते हो के कैप क्रॉस क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज अब एक रूल से हम क्या करते हैं, याद रखते हैं. ये साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं. देखो क्या होगा कि क्या करो, साइकिल ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ कर लो. अब यहां आई कैप लिखो, यहां जे कैप, और यहां क्या है? के कैप. मान लो ऐसे देखो, यदि आई क्रॉस जे लो तो कौन सा होगा? अगला वाला लेना है. आई क्रॉस जे क्या होगा? के हो जाएगा. जे क्रॉस के लोगे तो क्या होगा? J क्रॉस K तो क्या होगा? देखो J क्रॉस K क्या होगा? I. फिर K क्रॉस I तो क्या करना है? जिसका, यदि हम साइकिल ऑर्डर में ऐसे जा रहे हैं तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है वो क्या है? दो यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है वो तीसरा यूनिट वेक्टर लिख देना है. आई मीन I क्रॉस J इक्वल टू K अगला हुआ, फिर J क्रॉस K I लिखेंगे, K क्रॉस I क्या होगा? J होगा. तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, ठीक से याद रखते हैं. वही क्या होगा, जस्ट अपोजिट चलोगे. अब आपसे मैं बोलूं यहां कि के क्रॉस, देखो ऐसे चल रहे हैं, क्या है? क्लॉकवाइज चल रहे हैं. तो आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस लिखेंगे. आई क्रॉस के क्या लिखेंगे? इधर से इधर आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे होगा. तो यहां वो भी लिख देता हूं मैं, क्या होगा कि आई क्रॉस, आई मीन I क्रॉस K इक्वल टू क्या होगा? माइनस जे. फिर K क्रॉस J क्या होगा? माइनस I. अगला वाला लिखना है, लेकिन क्या होगा, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो प्लस लिखोगे, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे. और J क्रॉस क्या होगा? I इक्वल टू क्या होगा? माइनस K. यही क्या होगा, यूनिट वेक्टर K. आपको ध्यान देना है. ठीक है, अब हम तीसरा क्या देखेंगे कि केस थ्री, कि व्हेन क्या होगा? व्हेन ए इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा? बी, दैट इज क्या होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. यही होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं यहां भी क्या होगा, देखो एक वेक्टर इधर हुआ,
ये वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर इधर हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए क्रॉस अगेन बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी क्या होगा, मिनिमम व्हेन थीटा विल बी क्या होगा, इधर क्या होगा जीरो डिग्री और क्या होगा 180 डिग्री। तो जब क्या होगा, दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा तभी भी क्या होगा एंगल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि एंटी पैरेलल है या पैरेलल है। यदि क्रॉस प्रोडक्ट हम जीरो कर दें तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो जीरो का होता है, थीटा इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री पे भी क्या होगा जीरो होगा। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और आप ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। तो मीनिंग ऑफ यस क्या होगा, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, आई मीन ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। तो देखो यही क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और दिस इज नथिंग बट द वेक्टर बी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, थोड़ा और एक्सटेंड किया ऐसे, देखो ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा वेक्टर बी मिला, और ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो दिस इज नथिंग बट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से अगेन क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज नथिंग बट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये आपको ध्यान देना है कि ए और ए क्या है, सेम, आई मीन जितना ये है हम लिख सकते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। अब यदि हमने क्या किया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ध्यान से, एरिया पहले मैं लिख दूं ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, यही होगा। अब हम क्या लिखेंगे यहां, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, देखो ए बी सी एन क्या बन रहा है, ए बी सी एन कितना होगा, देखो तो ए क्या है, देखो ए ए होगा तो ए बी होगा, ए क्या होगा बी साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी आई मीन क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, आई मीन क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस क्या होगा। तो ये चीज आपको कभी कभी पूछा जाता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस हेंस क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द
एरिया ऑफ, गिव्स द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, होज 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 एडजेसेंट adjacent sides are corresponding vector, are corresponding vectors. तो ये जनरली क्या है, पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी से अपने को क्या मिलता है, आई मीन ए क्रॉस बी का जो मीनिंग होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर करस्पोंडिंग वेक्टर्स ए एंड बी. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है. इसके बाद हम इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ओके, थैंक यू.